सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। दिल में तड़पती जिस दिन काफला जाना, मैं छत पे चढ़ गया, सामने काफला जा रहा था, मैं देखता रहा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना कि ये लोग जाएंगे, काबा देखेंगे, तवाफ करेंगे, हजरे अस्वद का बोसा लेंगे, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, मिना मुजदलिफा अरफात जाएंगे, रोजा रसूल देखेंगे। या मरहबा, फरमाते मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। फरमाते मैंने आंखें साफ की। कितने सो पहले इंजीनियर साहब ने साड़ा बड़ा मजाक उड़ाया, तुसी कितने सो? तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। अबे साले, अल्लाह ने गोया क्या फरमाया, तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर। अल कादिर के माने जो सब कुछ कर सकता है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर हूँ, तूने आना चाहा, माँ ने आने नहीं दिया, मगर तू प्यारा है, तूने ख्वाहिश की है, मैं अल कादिर हूँ, तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। और सरकार तो आड़े बाबियां नु खंगन नहीं देना किसी ने। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा, ये उस वक्त की शान है, अभी कम सिन है। जैसा मैं मदरसे जाना शुरू होया, फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। ये बुजुर्ग देखो कितने पहुंचे ने। सर असी वो घटते नहीं है। फरमाया काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है। ओ यार छोड़ दे, ओ भाई कहानी लग रहा, आगे चलो। लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। कौन सी बात पूछ रहे थे? वो खाना काबा ज़ियारत को आता है, सब नहीं आता। मैं ये किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। मैं आपको किताबी बात बताता हूँ, बुखारी में मौजूद है पूरी सुलह हुदैबिया वाली हदीस। आप बता, नबी अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन अरब ने मक्का जाने से रोक दिया, तो नबी अलैहिस्सलाम हुदैबिया के मौका पर मुआहदा हुआ। सहाबा इकराम इतने गमगीन थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दफा फरमाया कि इहराम उतार के अपने कुर्बानी के जानवर यहीं ज़बह करो और इहराम खोल दो, हम अगले साल मुआहदे के मुताबिक आएंगे। सहाबा इकराम नहीं खोल रहे। उम्मे सलमा के पास नबी अलैहिस्सलाम खैमे में गए और कहा कि मैंने मतलब इनको कह रहा हूँ, ये मेरी बात ही नहीं मान रहे, ये बुखारी शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं। सहाबा इकराम को कलक ही इतना था, तो हुजूर के साथ लाड में वो ऐसा कर रहे थे, हुजूर को सख्ती से नहीं कह रहे थे, लेकिन मानना तो चाहिए था। उम्मे सलमा ने कहा, या रसूलल्लाह छोड़ दें, आप अपना जानवर कुर्बान करें, अपना इहराम खोल देंगे, देखें सारे कैसे करते हैं। हाय हाय हाय। और ऐसे ही हुआ, हुजूर ने सामने किया, सारों ने पहले एक उठा, दूसरा, 1400 के 1400 ने ये किया। साहबे कराम अश्कबार आंखों से कि हम काबे को देख नहीं पाए। 6 साल के बाद मौका आ रहा था काबे की जियारत का, और वो सिर्फ काबा नहीं था, उनके लिए अबाई वतन भी था, वतन असली भी था। तो सर उधर तो होना चाहिए था। जैसे ही सहाबा की आंखों में आंसू आए, काबा खुद उड़ता हुआ तवाफ करने के लिए आ गया। सर काबे का यह हक था कि रसूलुल्लाह का तवाफ करता आके, तुहाडे बाबे नूं किसी ने खंगण नहीं देना। तुसीं कहंदे हो तवाफ करता है, ज़ियारत को आता है, खेत मिट्टी झूठ मार दो, सब झूठ है।